औज़ु बिल्लाह मिन शैतान जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करना होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो जो आपको मिल सके। तो ये अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, 6x² - 7x - 3 = 0। अब आपने क्या करना है, इसको रीनेम करना है। एक्स स्केयर वाली वैल्यू जो है वो ए के इक्वल होती है, एक्स वाली वैल्यू जो है वो बी के इक्वल है और कॉन्स्टेंट जो है वो सी के इक्वल है। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है जी, और एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास है जी -7, -√-7² - 4a की वैल्यू है यहाँ पे 6 और बी की है -3, यहाँ पे आ गया आपके पास 2 और ए की वैल्यू है 6। एक्स इक्वल टू आ गया +7 + -√49 और यहाँ पे आ गया आपके पास 6 4 24 और 24 तीन बार आपके पास आ गया, यहाँ पे आ गया +72 और नीचे आ गया आपके पास 12। 12 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सम कर लें। सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x = 7 + -√ ये आ गया आपके पास 121 ओवर आ गया आपके पास 12। तो x = आ गया आपके पास 7 + -11/12। अब आपने क्या करना है, 11 को एक दफ़ा प्लस कर लें और एक दफ़ा माइनस कर लें ओवर 12। x = 7 - 11/12 तो x = आ गया 18/12। 6 2s are 12, 6 3s are 12, x = आ गया 3/2 और सेकेंड वैल्यू आपके पास आई x = -4/12। 4 1s are 4, 4 3s are, x = आ गया -1/3 और सॉल्यूशन सेट आपके पास आया 3/2 - 1/3। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। ठीक है, अब आपने इसको रीनेम किया, एक्स स्केयर वाली वैल्यू को 6 के इक्वल, एक्स वाली वैल्यू को आपने बी के और जो कांस्टेंट वाली वैल्यू उसको सी के आपने इक्वल रख लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है फार्मूला के अंदर। अब बी की जो वैल्यू है यहाँ पे -7 है, फार्मूले का भी माइनस है, तो फार्मूले का माइनस आपने पहले लगाया फिर बी की वैल्यू इसके अंदर आपने लगाई, फिर देन आपने क्या किया, बी स्केयर की जगह पे आपने उसकी वैल्यू पुट की, -7 का स्केयर आ गया, फिर 4 ये वाला आ गया, ए की वैल्यू है आपके पास 6 और सी की वैल्यू है -3। फिर आपने क्या किया, इन दोनों को फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 6 को 4 से किया, देन आपने उसको 3 के साथ किया, आपके पास ये वैल्यू आ गई, देन आपने उसका अंडर रूट लिया, अंडर रूट लेने के बाद आपने प्लस माइनस करके आपके पास आंसर आ गया। थैंक यू।